दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। आज हम बात करने जा रहे हैं Hyundai Verna के 10 ऐसे फीचर्स के बारे में जिसके वजह से आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए आए भी, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मेरी जल्द से जल्द मिल पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट फीचर की तरफ। वो आता है ब्लू लिंक वाला फीचर, जो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको मोबाइल से आप कनेक्ट रहेगी आपकी गाड़ी। देखा जाए तो आपको नेट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको देखा जाए तो हाई स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिल गए, आपको लाइव ट्रैकिंग मिल जाएगी गाड़ी की। देखा जाए तो काफ़ी और फीचर्स मिल गए, आपको 45 फीचर्स मिलने वाले हैं इस वाले में। देखा जाए तो आपको कमांड के थ्रू आप बोल सकते हो, जैसे कि लाइव क्रिकेट स्कोर पता करना है, डेट टाइम वगैरह जैसे फीचर्स और फीचर्स मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आपको स्मार्ट वॉच मिलेगी Hyundai की तरफ से। सेकेंड फीचर की तरफ बढ़ते हुए, देखा जाए तो आपको Hyundai की तरफ से न्यू इंट्रोड्यूस किया हुआ इंजन है। देखा जाए तो 1 लीटर का कापा पेट्रोल टर्बो इंजन, जो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया इंजन है। BS6 के साथ मिलेगा, 4 सिलेंडर के साथ। काफ़ी अच्छी बात इसके अंदर ये, आपको 7-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर सिटी लाइफ में रहते हैं, आपकी जो राइड है, ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एडिशनल फीचर्स मिलेंगे। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा, जो दिखाया था SXO है। तीसरे फीचर की तरफ बढ़ते हुए आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो दिखाया था 4.2 इंच का कलर्ड MID मिलेगा। इसके अंदर सबसे अच्छी बात है, आपको फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, पावर, टॉल जैसे फीचर्स मिलते ही मिलते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि बेस्ट इन सेगमेंट आपको दिखाया था टायर प्रेशरिंग मॉनिटर सिस्टम मिलेगा, जो देखा है तो काफ़ी बढ़िया बात है। आपको चाय टायर के बारे में, हवा के बारे में बताएगा, देखा है तो काफ़ी अच्छी बात है। एक्यूरेट भी है, काफ़ी बढ़िया है इस सेगमेंट में। नेक्स्ट फोर्थ फीचर की मैं बात करूँ, वो आता है सेफ्टी फीचर, जो देखा है तो इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स मिलेंगे, जिसके वजह से देखा है तो आप इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो रियर वाली जो लाइट होगी वो ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलेंगे। देखा है तो ये आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो मिल रहा है आपको टर्बो वाला, सिर्फ उसी में ही मिलेगा SXO वेरिएंट में। नेक्स्ट है इसमें आपको मिलेगा 6 एयरबैग, जो आपको साइड कर्टेन में भी लगे हुए मिलेंगे, जो देखा जाए तो गाड़ी में सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट फीचर निकल के आता है इको कोटिंग, जो देखा जाए तो काफ़ी हेल्पफुल फीचर है, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। देखा जाए तो स्पेशली हमारी हेल्थ के लिए, देखा जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जैसे एरिया में रहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपको जो AC जो आप गाड़ी में बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑन रहता है तो उसको प्योरीफाई करेगा काफ़ी ज़्यादा ईजिली। देखा जाए तो और गाड़ी में आपको ज़्यादा प्योरीफिकेशन नहीं हो पाती, पर इको कोटिंग आपके लिए ज़्यादा प्योरीफाई करके देखा है AC में हवा, जिससे कि आपकी गाड़ी का तो ठीक रहेगा ही रहेगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा सेफ हवा मिलेगी, काफ़ी बढ़िया हवा मिलेगी और काफ़ी बेटर क्वालिटी में मिलेगी। नेक्स्ट फीचर आता है वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, जो दिखाया था काफ़ी बढ़िया फीचर है, फर्स्ट इन सेगमेंट पकड़ाया जा रहा है Hyundai की तरफ से। अगर आपको मोबाइल सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग तो आप इसमें लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहा है, काफ़ी ईजी है लगाना वायरलेस, और दिखाया था काफ़ी बढ़िया फीचर भी है। नेक्स्ट फीचर आता है फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, जो देखा है तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। ये अभी भी देखा है तो फर्स्ट इन सेगमेंट पकड़ाया जा रहा है Hyundai की तरफ से। देखा जाए अगर आप काफ़ी हार ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हो आप, और काफ़ी टाइम तक अपनी गाड़ी में AC चला के रखते हो, तो काफ़ी बढ़िया फीचर रहेगा आपको लॉन्ग ट्रैवल में, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। देखा जाए तो काफ़ी ईजी है, आपकी कम्फर्टेबल आपकी जर्नी रहेगी। नेक्स्ट फीचर निकल के आता है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर सिस्टम, जो देखा है तो काफ़ी बढ़िया फीचर है। देखा है तो ये आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम में लगा मिलेगा, जो देखा है तो 8 इंच का टच स्क्रीन वाला होगा, जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है आपको गाइडलाइंस मिलेंगे। जैसे ही आप अपना स्टेयरिंग का लेफ्ट टर्न करेंगे तो उसके हिसाब से आपको बताएगा कि आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर पार्किंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर आता है स्मार्ट ट्रंक वाला फीचर, जो देखा है तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। अभी भी देखा है तो Hyundai आपको फर्स्ट इन सेगमेंट पकड़ा रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जेब में देखा है तो की फॉग होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आइडेंटिफाई कर लेगी। जैसे आप जेस्चर के थ्रू आप करेंगे तो आपकी जो डिक्की होगी खुल जाएगी, मतलब बूट स्पेस खुल जाएगी। जो देखा जाए अगर काफ़ी लोगों के हाथ में सामान होता है जिसकी वजह से गाड़ी नहीं खोल पाते, तो काफ़ी अच्छा फीचर है। अभी भी देखा जाए तो Hyundai आपको फर्स्ट एंड सेकंड मिलती है, किसी और गाड़ी में आपको फीचर अभी तक नहीं मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। वो आता है ट्विन टिप एग्जॉस्ट, जो देखा जाता है वो 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन में मिलेगा, जो देखा जाता है SXO वेरिएंट में मिलेगा। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि देखा जाता है Hyundai आपको फर्स्ट एंड सेकंड मिल रहा है, और गाड़ी में आपको इस सेगमेंट में किसी में भी आपको ट्विन टिप एग्जॉस्ट वाली चीज़ आपको मिलती नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऋषभ कुमार, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।